योगी से पंगा नेहा सिंह राठौड़ को पड़ा महंगा, पुलिस ने कर दिया खेल। अखिलेश को लगी मिर्ची तो जनता ने पानी पिला पिला कर जवाब दिया। यूपी में कावा के जरिए लोकप्रिय होने वाली नेहा सिंह राठौड़ ने कुछ ऐसा किया कि आधी रात पुलिस उनके घर पहुंच गई और उसके बाद तो मानो भूचाल ही आ गया। तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेरने में जुट गई, लेकिन जनता ने ही तमाम सवाल उठाने वालों को कावा के जरिए ही करारा जवाब दे दिया। दरअसल अपने यूपी में कावा गीत के जरिए सत्ता से सवाल करने वाली गायिका नेहा सिंह राठौड़ को यूपी सरकार ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में लिखा गया है कि उनके गीत ने समाज में वैमनस्य और तनाव फैलाने का काम किया है। इस नोटिस के जरिए नेहा सिंह राठौड़ से 7 सवाल किए गए हैं, जिसका जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। देर रात राठौड़ को मिले इस नोटिस से प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर बीजेपी की सरकार पर निशाना साध दिया, तो वहीं अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में आ गए। लेकिन सबसे पहले आप वो नजारा देखिए जब रात में यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौड़ के हाथों में नोटिस थमाया तो कैसा रिएक्शन था उनका। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। आपको लग रहा है फोटो भी खींच लीजिए? नहीं, फोटो नहीं देना है, एक देना है, एक नोटिस करना है। अच्छा, ये 19 तारीख है, कहाँ रिसीव करना है? लिखो एक प्रति प्राप्त की। एक प्रति प्राप्त की। नेहा सिंह ने इस पर ट्वीट भी किया और लिखा कि यूपी में काबा पर पुलिस का नोटिस। ये तस्वीरें देखकर अखिलेश यादव तो मानो तिल मिला गए और नेहा सिंह राठौड़ के अंदाज में ही सरकार पर सवाल उठाने लगे। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटाधार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दर्द है, लेकिन जनता भी कहां पीछे रहती। अखिलेश यादव को इसी अंदाज में जवाब शानदार दिए गए। पूनम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, यूपी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बा, भ्रष्टाचारियों की शामत बा, सभी वर्ग खुशहाल बा, तुम्हारे शिला पटों पर मुस्लिमों का हथौड़ा बज रहा बा, हाँ यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, रिकॉर्ड मतों से योगी जी जीतेंगे, ठीक बा। प्रदीप सिंह ठाकुर लिखते हैं, माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी महोदय, यूपी के होत भव्य विकास बा, यूपी में सभी केसों का बहुत जल्द निवारण होत बा, यूपी में गरीब किसानों को मिलत अनेकों प्रकार के लाभ बा, यूपी में पिछड़ों दलितों एवं सभी को मिलत मुफ्त अनाज बा, यूपी में कारोबार ही कारोबार बा। राघवेंद्र अस्थाना लिखते हैं, सरकार की बुराई सिर्फ योगी सरकार की ही क्यों, नेहा सिंह राठौड़ को बोलिए क्या उनकी हिम्मत है बिहार में लालू जी के बच्चों के बारे में कुछ बोल दें? बिल्कुल नहीं, वहाँ इनकी क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। आप सिर्फ बीजेपी की ही बुराई कर रही, इसका मतलब आप राजनीति से प्रेरित हैं। देव शर्मा कहते हैं, जितनी बार आपने यूपी में काबा कहा है इतना अगर प्रभु श्री राम जी का नाम लेते तो शायद यूपी कुछ और ही होता, समझे? अभी भी समय है, राम जी नाम जपते जपते संन्यास ग्रहण कर लो, कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जितेंद्र शर्मा कहते हैं, यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा बा, खत्म सपा के रोजगार बा, गरीबन के बहार बा, गुंडे सारे बिल्ली में घुसी गए, रोत भ्रष्टाचार बा, काहे कि यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा बा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी सोशल मीडिया ही काबा के रंग में नजर आ गई और वार पलटवार जबरदस्त देखने को मिला। देखना होगा कि काबा पर ये विवाद आखिर कब थमता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।